हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल योर ओन पाठशाला ज्योतिशाला। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में लाई हूँ हॉलीडे होमवर्क की एक नई टॉपिक जिसका नाम है भारतीय संस्कृति। ये ग्रिफिन्स इंटरनेशनल स्कूल के स्टैंडर्ड 8 में हॉलीडे होमवर्क के रूप में इसे दिया गया था। तो मैंने जो मेरे स्टूडेंट को लिखवाया है वो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी ताकि आप भी अपने बच्चों को होमवर्क करवा सकें और इसमें आपकी मदद हो सके। तो चलिए मैं आपको रीड करके सुनाती हूँ कि मैंने क्या लिखा है, तो क्या आप इसे रिपीट करके वापस भी सुन लीजिएगा ताकि आप लाइंस को नोट डाउन कर सकें। यस फ्रेंड्स, और एक बात, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर अवश्य करिए। चलिए चलिए इसके टॉपिक की शुरुआत करती हूँ। भारतीय संस्कृति। भारत विभिन्न जाति धर्म भाषाओं और संस्कृति का प्रदेश है। भारत क्षेत्र की तुलना में एक बहुत बड़ा प्रदेश है। भारत अपनी संस्कृति के लिए विश्व भर में जाना जाता है। भारत की संस्कृति बहुत गहरी और अद्भुत है। भारत के लोगों की भावनाएं, आशाएं, उनका परिचय उनकी संस्कृति से साफ झलकता है। भारत की संस्कृति उसकी धरोहर है। उसकी संस्कृति का गहरा संबंध उसके इतिहास से है। भारत के लिए उसकी संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण और यहाँ के लोग अपनी संस्कृति के साथ जुड़े हुए रहते हैं। अपनी संस्कृति को जिंदा रखने और जुड़े रहने के लिए वे समय समय पर त्यौहार मनाते रहते हैं जिससे उनकी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यस फ्रेंड्स, ये छोटा सा संक्षिप्त रूप में लिखा है पैराग्राफ राइटिंग और ये 112 शब्दों का है यानी 112 वर्ड्स का। तो आशा करती हूँ ये आपकी कुछ मदद कर सकेगा होमवर्क करवाने में अपने बच्चों की। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर दी अपकमिंग वीडियोज़, डू वॉच माई चैनल ज्योतिशाला। Thank you friends, bye.